हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस क्लाइंट के स्ट्रेट कट करने वाली हूँ। इनके बाल यू शेप में हैं और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि यू शेप से कैसे हम बालों को वन लेंथ या फिर स्ट्रेट कट में काट सकते हैं। आप देख रहे हैं इनके बाल बहुत अनइवन से हैं और काफ़ी हैवी हैं और थोड़े से वेवी बाल हैं इनके। इनके कमर तक के बाल हैं और इनको इन बालों में बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग लेनी है। तो कोई भी कटिंग करने से पहले पूरे बालों को हम सुलझा लेंगे अच्छी तरह से। इनके बाल बहुत अनसुलझे हुए हैं तो मैं इनके बालों को अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ और अच्छे से कॉम्ब करने के बाद मैं क्लाइंट से पूछ रही हूँ कि कितना कटिंग करवाना है। जब भी बाल थोड़े लंबे होते हैं क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि उसे छोटा करवाना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में आप आगे देखेंगे इन्होंने पहले थोड़े कम बाल कटवाए थे, बाद में इन्होंने बोला थोड़ा सा और काट दो। तो लंबे बाल वाले क्लाइंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने अपने बाल ज्यादा छोटे नहीं कराने होते। जिनकी जितनी उनकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम बालों की कटिंग करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके बालों का शेप वी में गया हुआ है, डीप यू में गया हुआ है और इनको बिल्कुल ही स्ट्रेट कटिंग चाहिए। तो इनके बालों को मैंने अच्छे से सुलझा लिया है और वाटर स्प्रे करके फिर से एक बार सुलझा लिया है और अब इनके बालों में मैं कटिंग करूंगी। कोई भी कटिंग करने से पहले बालों को अच्छे से सुलझाना जरूरी होता है, उसके सारे ट्रायंगल निकल जाए उसके बाद ही हम कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही बालों को अगर हम गीला कर लेते हैं तो बाल आपस में चिपक जाते हैं और कटिंग अच्छी होती है। इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो बालों में अच्छे से वाटर स्प्रे करके ही आप इसको कटिंग करें। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे मैं बार बार लेंथ के लिए पूछ रही हूँ कि कितना लेंथ करना है, कितना लेंथ रखना है और कितना लेंथ काटना है। अब मैंने इनके बालों की साइड पार्टिंग से ये वाली कटिंग की है, ये साइड पार्टिंग ही रखती है तो मैंने साइड पार्टिंग से ही ये वाली कटिंग कर दी है। साइड पार्टिंग निकाल के मैंने फिर से एक बार अच्छे से बालों को कॉम्ब किया है और अब रबर बैंड लगाकर जहां तक इनको लेंथ कटवाना है वहां पे मैं रबर बैंड लगा रही हूँ और उस रबर बैंड के नीचे से मैं यहाँ पे कट देने वाली हूँ। इनके बाल लंबे हैं और काफी हैवी हैं लेकिन बहुत ही ड्राई बाल हैं, इसलिए मुझे बार बार कॉम्ब करके इनके बालों को सुलझाना पड़ रहा है। मैंने ये पोनी बना ली है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. मेरी पोनी बन गई है और अब मैं इस पोनी को कट कर रही हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कितने बाल निकालने हैं, मैं थोड़ा कम ही निकाल रही हूँ। क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही बाल हमें कट करना पड़ता है, हम अपनी मर्जी से ज्यादा नहीं काट सकते।
तो इस तरह से मैंने नीचे का हिस्सा निकाल दिया है। और रबर बैंड हटा के मैं एक बार फिर से इनको दिखाऊंगी कि इनकी लेंथ कितनी कितनी लेंथ चाहिए है। ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, इनकी मदर भी इसके इनके साथ आई हैं, तो शायद इन्हें और थोड़ा कटवाना है बालों को, थोड़ी सी लेंथ और कम करनी है। तो मैं कॉम लगाकर थोड़े से और लेंथ कम कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने यू से कैसे स्ट्रेट कटिंग की है। यहाँ पे मैं कंघी लगा के पूरी कटिंग करने वाली हूँ। आप धीरे धीरे कॉम लगाते जाएं और कॉम के नीचे के बालों को गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काटते चले जाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
इनका फाइनल लुक है, बाल इनके कट चुके हैं और अब आप देख रहे हैं इनके बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। जितने भी खराब बाल थे कटिंग में वो सारे निकल गए और अब ये बाल कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।